मुख्तार के भरोसे पूर्वांचल की मुस्लिम सियासत, मौत के बाद भी अंसारी का सियासी रसूख कायम, 5 लोकसभा सीटों पर असर, इसीलिए घर पहुंच रहे नेता। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मुख्तार अंसारी भले ही कब्र में दफन हो गया, लेकिन उसके सहारे लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीति की नैया पार करने वाले कम नहीं हैं। दरअसल मुख्तार की मौत के बाद से ही गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर आम लोगों के साथ साथ सियासी लोगों का भी आना जाना लगा हुआ है। लेकिन सियासत में हलचल तब मची जब एक दिन पहले AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी खुद मुख्तार के घर पहुंच गए। यह पहला मौका रहा जब कोई साउथ का एक बड़ा नेता पूर्वांचल में किसी को श्रद्धांजलि देने पहुंचा होगा। जानकार मानते हैं कि मुख्तार का सियासी रसूख गाजीपुर समेत आसपास के 4 से 5 लोकसभा सीटों पर रहा। एक वक्त था जब मुख्तार किसी पार्टी के साथ होता तो इन लोकसभा सीटों पर उसकी मर्जी से कैंडिडेट उतारे जाते थे। यह तस्वीर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनावों में भी दिखती थी। यही वजह रही है कि बीते शुक्रवार से मुख्तार के घर पर फाटक पर कई सियासतदान उसे श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो कभी मुख्तार के राजनीतिक दूरी बनाकर रखते थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं जब मुख्तार जिंदा था तो कई सियासतदान उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उसके मरने के बाद मुस्लिम वोटों की वजह से अब उसको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्तार अब कैसे सीटों को प्रभावित कर रहा है, इसे जानने से पहले यह जानते हैं कि कौन सा राजनेता कब मुख्तार के घर पहुंचा। सबसे पहली बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। मुख्तार की मौत के बाद आसपास के नेता तो जरूर पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य अफजल अंसारी से मिलने रविवार को गाजीपुर पहुंचे। हालांकि देखने में यह जरूर लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अफजल को सांत्वना देने पहुंचे थे, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं इसके पीछे उनका अपना मकसद था। इसे 3 पॉइंट में समझिए। भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 चुनाव में बुरी तरह से हारे, अब सपा से भी अलग हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि वह अपने दम पर चुनाव जीत सके। कुशीनगर लोकसभा सीट पर समीकरण देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य SC ST कुर्मी और मुस्लिम वोटों के समीकरण के भरोसे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें फाजिल नगर से उतारा था, लेकिन वह जीत नहीं सके। जानकार मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से अलग होने के बाद सपा भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि देखते हैं PDM मुझे सपोर्ट करती है या नहीं। इससे साफ जाहिर है कि मौर्य को कुशीनगर जीतने के लिए किसी का साथ चाहिए। उनका यह इंतजार मुख्तार का खत्म हुआ है, यह उनके लिए एक मौके जैसा था जिसे उन्होंने लपक लिया है। हालांकि इसका उनके चुनाव में कितना असर होगा यह भविष्य तय करेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।